हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खुशी गैजेट ब्लॉग। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं DT नंबर 1 कंपनी की है। इसका मॉडल नंबर है, इसका मॉडल है DT8 अल्ट्रा मैक्स। काफ़ी लोगों ने पूछा था पहले मेरे से कि DT8 अल्ट्रा मैक्स है क्या आपके पास, तो गाइस वो वाली वॉच आ चुकी है DT8 अल्ट्रा मैक्स। और इस वॉच की प्राइस ज़्यादा नहीं होने वाली, ओनली 2500 रुपये इसकी प्राइस होने वाली। ज़बरदस्त वॉच है भाई। इस वॉच की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और फेसबुक से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देखो ये वियर प्रो वाली वॉच है, वियर प्रो वाला ऐप है इसका। और आपको एक बात मैं बता दूँ, DT वाले का होता है ना, जो खुद का एक ही ब्रांड होता है इसकी, मतलब अच्छी वॉच बनाते हैं। जितनी भी DT की वॉच आती है, DT नंबर 1 जितने वॉच पर लिखा हुआ होता है, सबके ब्रांड अच्छा होता है उसका, क्योंकि इनका खुद का अलग ही ब्रांड है, ठीक है। तो DT वाली वॉचों में कोई कंप्लेंट वगैरह आते ही नहीं है फिलहाल। अब मैं दिखा देता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करके क्या क्या मिलने वाला है आपको। देखो भाई, इसमें आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। यार यूजर मैनुअल भी देखो ना कितना बड़ा दे रखा है। देखो फीचर भी ज़्यादा होंगे अगर यूजर मैनुअल इतना बड़ा दे रखा है तो, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ, और देखो इसमें एक वॉच तो आपको मिल जाती है इसमें, और वॉच के साथ साथ और क्या होने वाला वो भी मैं दिखा देता हूँ। पहले वॉच मैं साइड में रख देता हूँ थोड़ी देर। ये देखिए, अरे वाह, अरे भाई वाह, भाई वाह, एक तो कवर आ गया इसमें गाइस। देखो एक कवर आ गया, देखो एक कवर अभी तो मैं निकल गया, लेकिन यार मैंने काफ़ी वॉचों की अनबॉक्सिंग देखी है DT8 अल्ट्रा मैक्स की, किसी ने कवर दिखाया नहीं है। बाकी देखो अभी कवर आया तो मैं कवर की हाँ कर रहा हूँ, लेकिन जब भी आप वॉच परचेज करें तो पहले पता कर लेना कि कवर है या नहीं है, क्योंकि अभी तो बॉक्स में कवर निकला है तो मैंने दिखा दिया आपको। देखो एक आपको मिल जाता है ओशियन स्ट्रैप्स, एक आपको मिल जाता है एल्पाइन लूप स्ट्रैप्स आपको मिल जाता है, क्वालिटी बढ़िया होने वाली है स्ट्रैप्स की। एक आपको मिल जाता है भैया वायरलेस चार्जिंग, और प्राइस ज़्यादा नहीं है, प्राइस होने वाली ओनली 2500 रुपये। जिसको लेनी है वीडियो के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस वगैरह मैं डाल दूंगा, ऑल ओवर इंडिया आप डिलीवरी करवा सकते हैं। अब मैं वॉच को भी दिखा देता हूँ थोड़ा ऑन करके, क्या क्या फीचर है, क्या क्या फंक्शन है, सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एंड तक देखिए वीडियो, जानकारी पूरी मिल जाएगी वीडियो में, एंड तक वीडियो देखोगे तो, और आधा अधूरा देखोगे तो भैया जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसकी पन्नी ये वाली भी हटा लेता हूँ, जिससे यार आपको क्लियरिटी अच्छी नज़र आएगी। हर कोई क्लियरिटी की वजह से यार ये पन्नी तो हटी नहीं गई, इतनी टाइट लगा रखी है पन्नी, इसके बिना कैसे दिखाऊंगा वॉच को। एक सेकंड गाइस, अरे हट गई। ये पन्नी मैं हटा के साइड में रख लेता हूँ एक बार। अब मैं आपको दिखाता हूँ वॉच, इसको मैं पहले ऑन कर लेता हूँ। देखो ऊपर वाले बटन से ऑन हुई ये वाली वॉच, और DT की जो ब्रांड होती है ना अलग ही कुछ है यार। देखो 2.1 इंच की इसकी डिस्प्ले है, HD डिस्प्ले है, देखो आपको दिख रही होगी यहाँ पर 2.1 इंच की डिस्प्ले, HD डिस्प्ले आपको दिख रही होगी, ठीक है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिल जाती है, तीनों बटन इसमें वर्किंग होने वाले हैं, 1, 2, 3 तीनों बटन वर्किंग है। ऊपर से स्ट्रैप लॉक और स्क्रू लॉक भी आपको इसमें मिल जाता है। वॉच की प्राइस होने वाली ओनली 2500 रुपये। जिसको लेनी वीडियो के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया आप डिलीवरी करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मैनू स्टाइल की। देखो मैनू स्टाइल लाने के लिए इसमें ना काफ़ी बहुत सारी वॉचों में ना इसमें इससे मैनू स्टाइल आ जाती है, लेकिन इस वाली वॉच में मैनू स्टाइल ऐसे करनी पड़ेगी आपको, नीचे से स्लाइड ऊपर की तरफ, तब आएगी इसमें मैनू स्टाइल, ठीक है। ये मैनू स्टाइल आ गई। देखो टच का तो लैगिंग का तो नामो निशान नहीं हो यार, 2000 के ऊपर की रेंज में जो भी वॉच आ रही है कोई में मतलब ऐसा लैगिंग का नामो निशान होता ही नहीं बिल्कुल भी। मैनू स्टाइल ही पहले देख लेते हैं, मैनू स्टाइल कौन कौन सी। एक मैनू स्टाइल ये मिल जाती है, दूसरी मैनू स्टाइल ये मिल जाती है, फ़ोन है, मैसेज है, कॉन्टैक्ट है, कॉल रिकॉर्ड है, डाटा, फिटनेस, स्पोर्ट्स, हार्ट रेट। इस हार्ट रेट का एक बार दिखा देता हूँ, सेंसर देख लो भाई, ये देखिए भाई साहब, ये एक बंदा ना इसका मतलब सेंसर ज़बरदस्त होने वाला है। मतलब वॉच आपसे बोली पहले आप वॉच को सही से पहनो, उसके बाद सेंसर वर्क करेंगे। ये वाला फीचर हर कोई वॉच नहीं देती, ये वाली वॉच जो भी ये वाला ये मतलब ये बोलेगा ना कि भैया पहले वॉच को बनाओ, उसका मतलब समझ जाओ आपकी वॉच के सेंसर अच्छे होने वाले हैं, बढ़िया होने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको और दिखा देता हूँ, ECG, BP, BO, ब्लड प्रेशर वगैरह, ब्लड ऑक्सीजन का होगा, कैलेंडर है, NFC है, म्यूजिक है, म्यूजिक रिमोट होता है वो, म्यूजिक का मतलब ये नहीं है कि भैया इसमें ऐप में है गाने वाने इसमें बोल, मतलब फ़ोन से जब वॉच को जब आप कनेक्ट करोगे ना उसके बाद म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, कम ज़्यादा करने के लिए साउंड वगैरह, या फिर गाना चेंज करने के लिए, उसके लिए सही है। एक यहाँ पे आपको NFC के बाद मैंने दिखाया म्यूजिक,
म्यूजिक के बाद स्लिप, स्टॉप वॉच भी आपको इसमें मिल जाता है, टाइम जोन भी इसमें दिया हुआ है, टाइम जोन कौन सा लगाना है वो आप लगा सकते हो। टाइम जोन पे मैं क्लिक करके देखता हूँ, वो जब वॉच को ऐप से कनेक्ट करोगे तब हो जाएगा वो, ठीक है। वेदर, QR कोड, वॉच का QR कोड है, बाकी वॉच का डब्बे पे लिखा हुआ है वीयर प्रो, वॉच के ऐप का नाम होने वाला है, बाकी आप इससे भी स्कैन करके भी कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड, इसमें आपको टाइम सेटिंग भी मिल जाती है, एक ये मोशन ट्रेजरी भी लिख रखी है इसमें, और क्या होने वाला भाई, GPS, मोशन ट्रेजरी, उसके बाद टाइम का है, वॉइस असिस्टेंट भी इसमें दिया हुआ है, कैंपस भी दिया हुआ है भाई साहब, कैंपस वर्किंग भी है इसमें, ऐसा नहीं है भाई कैंपस वर्किंग नहीं है, कैंपस वर्किंग भी इसमें आपको मिल जाता है भाई, कोई ऐसी वो नहीं है कि कैंपस वर्किंग नहीं है। कैंपस देखो भाई ये लिख रखा ना 0, इसको पहले यूँ करके और यूँ करना पड़ेगा शायद, ऐसा करके फिर दिखाएगा ये, मेरे को लग रहा है ऐसे यूँ करके ऐसे भाई। मैंने अभी हाथ में है ना सही से वॉच पहनी नहीं है ना, इसलिए मैं सही से कैंपस का दिखा नहीं पा रहा हूँ, बाकी है ना जब वॉच को है ना हाथ में पहनने के बाद है ना, इसको यूँ करने के बाद ऐसे करने के बाद फिर कैंपस वर्किंग शो होने लगता है, बाकी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसमें भी, अगर ऐसे करके सो जाए तो हाँ ये हो गया, देखो ऐसे कैंपस वर्किंग शो हो जाता है, बाकी आप कर लेना। अब मैं और फीचर दिखा देता हूँ जितने, अरे हो जा भैया प्यार से, हो जा प्यार से होता है, देखो कितना प्यार से टच होगा, और जब तेज़ से करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे नहीं हो रहा। फ्लैश लाइट पे क्या है भाई, ओके करा, अच्छा इसमें डिस्प्ले वाली फ्लैश लाइट है, उसके बाद अली पे इमरजेंसी SOS के बाद और देख लेते हैं ये क्या चीज़ है भाई, ये तो नई चीज़ लग रही है, ये वो को जब ऐप से कनेक्ट करोगे ना तब ये वाला फीचर वर्क करेगा, ये किबला डायरेक्शन रिलीजियन टाइम क्या है भाई, क्लिक किया मैंने इस पर, 4:20 पर रिलीजियन टाइम है, अच्छा मतलब शाम कब होती है सुबह कब होती है वो टाइम दिखा रहा है, अरे यार क्या फीचर है भाई। उसके बाद फाइंड फोन का ऑप्शन दिया है इसमें, उसके बाद आपको मेन्यू स्टाइल भी दिखा रखा है, और ये लेडी असिस्टेंट, मतलब गर्ल्स अगर यूज करती है तो गर्ल्स के लिए लेडी असिस्टेंट भी है इसमें, गर्ल्स करो चाहे बॉयज़ करो, लेडीज असिस्टेंट वाला जो फीचर है ना उसमें मतलब लेडीज असिस्ट करेगी आपको। एक बार मैं इस पर क्लिक करके देखा, मतलब अच्छा वॉच को ऐप से पहले कनेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये वाला फीचर वर्क करेगा, ठीक है भाई। इतना मैं और दिखा देता हूँ, मेन्यू स्टाइल भी आपको बहुत सारी होने वाली है इसमें, कितनी होने वाली है मैं दिखा देता हूँ, पहले इसमें होने वाली है भाई उत्तरी की 11 स्टाइल है भाई साहब, 11 स्टाइल है गाइस, बहुत सारी है यार, 11 स्टाइल बहुत होती है। अब बात करते हैं ड्रेन, ये देखिए भाई साहब वाटर, ये ड्रेनिंग का मतलब का पता है आपको क्या है, इसका मतलब ये कि अगर वॉच आपकी कभी पानी वानी में लग जाता है थोड़ा बहुत तो ड्रेनिंग करूँगा ना तो स्पीकर वगैरह में जो थोड़ा बहुत पानी भरा होगा ना साइड से वो सारा हट जाएगा, ये ड्रेनिंग का फीचर बहुत अच्छा लगता है भाई मेरे को तो। उसके बाद एयर प्रेशर मतलब हवा की प्रेशर कितना है, ऐप स्टोर पर जाकर देखें तो प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन, ये वॉच का ऐप से कनेक्ट करोगे तब ये फीचर वर्क करेगा। अब लास्ट में सेटिंग में देखो लैंग्वेज मिल गया, डायल सेटिंग मिल गया, उसके बाद ही एंड मी चाहिए, स्क्रीन ऑन ऑफ टाइम है, उसके बाद वाइब्रेशन डेंसिटी, उसके बाद पावर सेवर, उसके बाद मोड सिलेक्शन, रिंगटोन सेटिंग्स, पासवर्ड भी लगा सकते हो आप इसमें, साइड की सेटिंग भी कर सकते हो, साइड की में क्या फीचर लगाना है, फैक्ट्री रीसेट का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है फ़ोन की तरह। अब मेन्यू स्टाइल देख लेते हैं भाई, आपने सबसे चीज़ मेन्यू स्टाइल की है, देखो मेन्यू स्टाइल में सबसे पहले आपको ये वाली दो तो मैंने दूसरी है ये वाली, आप तीसरी दिखाते हैं, इसको मैं प्यार से मैं पहले एक बार यूँ कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा जी, इस वाले को मैं प्यार से पहले मेन्यू स्टाइल को दिखाता हूँ आपको, साइड में करने के बाद मेन्यू स्टाइल देखते हैं। तीसरी मेन्यू स्टाइल आपको इसमें ये वाली मिल जाती है, देख सकते हो आप 3 मेन्यू स्टाइल, और चौथी मेन्यू स्टाइल आपको इसमें ये वाली मिल जाती है, देख सकते हो आप 4 मेन्यू स्टाइल, और कोई भी रह गई है तो वो भी दिखाते हैं। 5वीं मेन्यू स्टाइल, 5वीं भाई साहब ये वाली है, और
छठी मेंशल ये वाली आपको मिल जाती है, छठी मेंशल हो गई। अभी हमारी सातवीं आ गई, सात मेंशल दिखा दी आपको, और भी देख लेते हैं भाई। ये हमारी आठवीं आ गई, यार वीडियो लंबी हो रही है भाई, फीचर भी ज़्यादा है इसलिए सारे बताने पड़ रहे हैं, वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो पूरा देखना, फीचर ज़्यादा आपको समझ आ जाएंगे। और कौन सी भाई, एक ये आ गई मेंशल, ये देख लो भाई साहब, एक और दिखा देते हैं गाइज। अरे वाह भाई, इस वाले में तो और भी ज़बरदस्त है, और देख लेते हैं। ओहो ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, एक ये मेंशल आ गई, और देख लेते हैं, और ये वाली वो आ गई। मतलब 11 तरह की मेंशल गाइज इसमें आपको मिल जाती है, 11 तरह की बहुत होती है भाई, 11 तरह की कम नहीं होती मेंशल। बाकी कोई और फीचर रह गया हो तो वो भी देख लेते हैं एक बार, जैसे आप ये ना बोलो भाई फ़ीचर पूरा नहीं बताया, और कोई फ़ीचर रह गया हो तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। और मेरे को तो लग नहीं रहा और कोई फ़ीचर रह गया हो, मैंने सारे बता दिए। उसके बाद नहीं, अब कोई रह नहीं रहा दिखाई, ये तो उसका है कैंपस वर्किंग का। और कोई फीचर, ये क्या चीज़ है, अच्छा पावर ऑफ का, और देख लेते हैं ये क्या चीज़ है, ये और कंप्रेसर का है, और भी ये ब्लूटूथ ऑडियो, और देख लेते हैं सेटिंग में लैंग्वेज वगैरह, वो मैंने आपको बताई थी सेटिंग के बारे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह सब मिल जाती है इसमें। और थोड़ा यहाँ साइड से और देख लेते हैं, ये SOS का ये भी, अरे वाह ये देखो आवाज़ आ रही है, दिखाता हूँ, देखा आपने, ये SOS का ये आवाज़ भी आ रही है इसमें, मतलब सायरन सा है, ठीक है। तो बाकी लगभग मैंने सारे फीचर बताए दिए हैं, बाकी जिसको लेनी है वीडियो के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस वगैरह मैं डाल दूंगा, ऑल ओवर इंडिया आप डिलीवरी करवा सकते हैं। स्ट्रैप लॉक स्क्रू वगैरह सब कुछ इसमें होने वाले हैं, तीनों बटन वर्किंग है, क्राउन वर्किंग है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, वाटरप्रूफ आपको इसको बोल सकते हो, DT वाली जितनी भी वॉच आती है उनको आप वाटरप्रूफ बोल सकते हो, क्योंकि इसमें वाटर ड्रेनिंग का जो ऑप्शन होता है ना वो बढ़िया होता है, वो उससे है ना मतलब वॉच में प्रोटेक्शन होता है कि वॉच में पानी वानी अगर हल्का गुल्का चला जाए तो वो आप निकाल सकते हो। बाकी प्योर वाटरप्रूफ तो देखो टेस्ट वगैरह जो करते हैं ना उस टाइम पे आपको वाटरप्रूफ दिख जाएगी वॉच, वो टेस्ट कैसे करते हैं पानी में डाली और निकाली वो बात अलग होती है। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं भैया पानी में निकाले डालने की जगह आप, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं स्विमिंग में बैठ जाते हैं दो दो घंटे तक स्विमिंग करते हैं, तो उसमें वॉच में प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी है ना हल्का फुल्का पानी लगने में कोई दिक्कत नहीं आती, DT वाली जितनी भी वॉच आती है सारी वाटरप्रूफ बोल सकते हो आप उनको। बाकी ये देख लो आप, ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे जो भी नई वॉच आएगी अनबॉक्सिंग आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।